हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल में और मैं आज बनाने जा रही हूँ लच्छा पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमें लच्छा पराठे के लिए मैदा चाहिए। आप चाहे तो आटा में भी इसे बना सकते हैं। तो पहले हम लेंगे, ये देखिए, बड़ा कटोरी से 2 कटोरी मैदा, ये देखिए, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फिर इसे मैं एक सिंपल सा डो तैयार करूंगी, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा तैयार किया जाता है वैसे ही तैयार करूंगी। पहले थोड़ा सा पानी लूंगी, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसका डो हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नॉर्मल साइज का आटा लगाना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी देकर के ही इसे हमें बनाना है। अब ये डो तैयार हो गया है बिल्कुल, और इसे हम आधे घंटे इस पे ऑयल स्प्रेड करके आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। ये देखिए, चारों तरफ देखिए, आधा घंटा हमारा हो चुका है और हमारा डो बिल्कुल बनने के लिए रेडी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए पहले एक पैन हम गरम करते हैं। और चलिए, तो जब तक ये गरम होता है हमारा पैन, तब तक हम ये पराठा बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके गोल काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये गोल बना लेते हैं। हम थोड़ा मोटाई रोटी बनाएंगे क्योंकि मोटा बनेगा तभी अच्छा से लच्छा इसका दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, पहले इस पर आटा मिला लिए और उसके बाद इसे गोला बेलने का कोशिश करते हैं इस तरह से। आधा घंटा इसे रखने का मतलब यही था कि ये जो हमारा डो है वो थोड़ा मतलब फैल जाए। इसे रोटी ऐसे ऐसे बेलते हैं हम लोग, ज़्यादातर मैदा अगर हम लोग ऐसे बेलना शुरू करते हैं तो वो वापस छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं तो इसे जैसा शेप दे आसानी से शेप आ जाता है। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे इसे। देखिए, गोल सी रोटी तैयार हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, एक नाइफ की सहायता से इसे मतलब कट लगाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल कोई नियम से नहीं किया, इस तरह से बीच बीच में। ये देखिए, कट लगा लिए। अब इसे देखिए, इधर से भी ये कट चुका है। हम थोड़ा सा इस पे ऑयल स्प्रे करेंगे। ऑयल स्प्रेड हो गया है अच्छी तरह से। अब इसे हम देखिए, इधर भी कट हुआ है, आराम से ऐसे प्लेट की तरह इसे मोड़ देंगे। बिल्कुल अब इसे यहां से मोड़ कर इसे राउंड शेप देंगे। देखिए, बिल्कुल राउंड हो गया है। अब इसे ऐसे दबा करके हम इस तरह से इसे पूरा पैक कर देंगे। जहाँ से अगर कुछ दिखाई भी पड़े तो इसे हाथ की सहायता से इस तरह से हम पैक कर देंगे बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा है, इसे मैं पैक कर देती हूँ। अब चलिए इसे बेलना शुरू करते हैं।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शेप खराब हो रहा है, तो इसे दबा करके मैं इस तरह से इसे राउंड शेप देने का कोशिश कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। काफी बड़ा हो चुका है, अब इसे मैं तवे पे डाल देती हूँ। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे हम डाल देते हैं और धीरे धीरे इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए अंदर का पक चुका है, इसे हम उलट देंगे। देखिए अब इसके ऊपर आप बटर, घी या रिफाइंड जो आप अच्छा लगे वो आप इस पे स्प्रेड कर दीजिए इस तरह से, और अंदर की तरफ भी थोड़ा लगा दीजिए, या फिर आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, ऐसे ही जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अब इसे मैं फेंक देती हूँ, इधर का भी पार्ट लगा देती हूँ। ये फूल भी रहा है, अच्छी तरह से पक चुका है, अब ये फूल भी रहा है बिल्कुल। चारों तरफ से घुमा घुमा के मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि कहीं भी रोटी मेरी कच्ची न रहे, और मैं पूरा ये लच्छा भी दिखाऊंगी पकने के बाद ये लच्छा निकलेगा, वो भी मैं दिखाऊंगी कैसे मेरे पराठे में लच्छे निकले हैं। देखिए एक और तरीका से मैंने लच्छा पराठा बनाना सिखा रही हूँ, वो इस तरह से हम बेल लेंगे इसे पतला सा, और इस पे वैसे ही ऑयल स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए मैंने कर दिया, और इसे प्लेट की तरह ऐसे मैं फोल्ड करूंगी, ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे ताकि एक प्लेट की तरह बन जाए। दोनों ही बहुत इजी है, आपको जो भी तरीका पसंद आएगा आप उस तरीके से बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरीका बहुत मेहनत है और एक दूसरा इजी है, दोनों ही इजी है। और इसे देखिए फिर इसी तरह से हम राउंड करते जाएंगे और इसे बैठाते जाएंगे यूं। हाँ ये देखिए, और ये लास्ट वाला जो है पोर्शन उसे मैं इसी में डाल करके ऐसे मिला दूंगी। ये देखिए अब इसे बेल लेती हूँ। ये देखिए जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा इसे बेल लीजिए। देखिए और इसे बहुत हल्के हाथों से बेलना है, बहुत इस पे प्रेशर देकर इसे बेलना नहीं है। अब चलिए इसे भी बना के देखती हूँ। देखिए अब ये इसे धीमी धीमी आंच पे पकाऊंगी, बस 2 मिनट में एक और पराठा रेडी हो जाएगा। देखिए दूसरा पराठा वो भी रेडी हो गया है। ये देखिए कितने सुंदर कलर आए हैं, एकदम गोल्डन कलर आया है मेरा, दोनों साइड पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं इसके। चलिए अब इसे चेक करते हैं ये कितने परफेक्ट बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों पराठे मेरे रेडी हैं, एक जो मैंने प्लेट बनाकर किए थे वो देखिए कितने उभरे हैं, ये लेयर्स आप देख सकते हैं दोनों तरफ। ये देखिए और इसे देखिए यूं करने पर भी, ये देखिए आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट पराठे मेरे रेडी हुए हैं। और ये जो कटिंग करके मैंने नाइफ से बनाया था वो है, इसके भी लच्छे पूरे एकदम परफेक्ट लच्छे रेडी हुए हैं। चारों तरफ से मैं घुमा घुमा के दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से अब इसे भी मैं ऐसे क्रस करती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये देखिए हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है। Thank you.
देखा आपने कैसे बने हैं मेरे पराठे। यदि आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।